हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सड़क पर सिगड़ी जलाई और चाय बनाकर महिला कांग्रेस ने किया विरोध। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। जालौर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष शोभा चुंदेशा के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर सिगड़ी पर चाय बनाकर केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई का विरोध किया। तेज धूप में महिलाओं ने सड़क पर पहले सिगड़ी जलाई और फिर चाय बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की, बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रिहाना रियाज के निर्देशानुसार जालौर पेट्रोल पंप पर महिला जिला अध्यक्ष शोभा सुंदेशा के नेतृत्व में रसोई गैस, खाद्य तेल, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुंदेशा ने कहा कि केंद्र सरकार जन विरोधी नीतियों के कारण आम जन परेशान हो गए हैं। बढ़ती महंगाई ने जीना दुभर कर दिया है। रसोई गैस के दामों ने तो गरीब और मध्य तबके के महिलाओं की नींद हराम कर दी है। घर का बजट बिगड़ गया है। इधर पेट्रोल व डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने आमजन की कमर तोड़ दी है। महिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं लीला राजपुरोहित, आईटी सेल वर्षा जैन, पार्षद अफरोजा बानो, सीता देवी, भागु देवी, कमला देवी, सुमति देवी, मीरा देवी, खरगी देवी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।